और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मोहम्मद शमी और सिराज ने कुछ ऐसा किया, ये वाक्य देखकर हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। 200 पंत के ऐतिहासिक शतक ने वाकई में इंग्लैंड की किताब में इतिहास रच दिया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मैच में शुरुआती दौर में जीत रही थी। आपको बता दें कि हमारे खिलाड़ियों ने कमर तोड़ दी थी अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम की। सिराज ने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, उसके बाद पांड्या ने अपने ओवर्स में 4 विकेट अपने नाम किए और चहल ने भी 3 विकेट। 200 इसी तरीके से हमारी टीम ने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोक दिया। हमने 269 पर ही 200 इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया था और जीतने का लक्ष्य हमें मिला मात्र 260 रन का। लेकिन दोस्तों गौर फरमाया जाए तो लक्ष्य पिछले मैच से भी ज्यादा था। जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी तेजी से लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उतनी तेजी से वापस भी जा रही थी। दोस्तों रोहित और कोहली 17-17 पर आउट हुए तो धवन तो इस बार भी फ्लॉप दिखे, 1 रन पर आउट हो गए। सूर्या जैसे ही 20 रन के दायरे के अंदर आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि मानो जीतने की सारी उम्मीदें भूल जाओ आप। लेकिन फिर दोस्तों पांड्या और पंत ने अपने बल्ले को हथियार बनाकर ऐसी गोलियों की बारिश कर दी इंग्लैंड की टीम पर कि जीत की किरण जाग गई। दोस्तों इस बीच पांड्या के बल्ले से 71 रन की धाकड़ खूंखार पारी निकली। लेकिन इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने जो किया वो सराहनीय है। दोस्तों ऋषभ पंत ने 50 नहीं लगाया, शतक नहीं लगाया, बल्कि 125 रन की ऐसी धाकड़ नाबाद पारी खेली। इसमें उन्होंने 16 चौके लगाए, 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में विजयी भी बना दिया। दोस्तों ऋषभ पंत की सराहनीय पारी के दम पर ही हम इस मुकाबले को जीत पाए और इस सीरीज को भी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की ये शतकीय पारी इतिहास में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम हारे हुए मैच को जीती है और धोनी की तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया। जाहिर सी बात है 200 पंत ने पूरे देश दुनिया का दिल जीत लिया है। लेकिन मोहम्मद शमी और सिराज ने कुछ ऐसा किया, ये वाक्य देखकर हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। 203 मैचों की वनडे सीरीज को हम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ सीरीज डिसाइडर मुकाबले में जीते पंत के शतक के बल पर। पंत ने अपने बल्ले से इतिहास रचा, 125 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिता दिया इंग्लैंड में 8 साल के अंतर के बाद। तो जाहिर सी बात है जीत का जश्न भी कुछ इसी अंदाज में मनना था। हर किसी ने चैंपियन उछाली एक दूसरे पर, लेकिन इस चैंपियन के सेलिब्रेशन से शमी और सिराज दूरी बनाते नजर आए। दोस्तों ऐसा इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने मजहब की इज्जत करते हुए किया। लेकिन आप सभी का इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।